पंजाबी सेवा समिति वेलफेयर सेंटर द्वारा सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में आयोजित किया गया, जहां चीफ गेस्ट हर्जला आसीस प्रेसिडेंट साजिद खान उपस्थित रहे। एक जरूरतमंद को व्हीलचेयर भी इस कार्यक्रम में दिया गया। मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था इस मौके पर, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। सगळ्यांना नमस्कार, सस्रियाकाल। पंजाबी सेवा समिति यांच्यातर्फे हे हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे कि एक अपंग आहे त्यांना त्यांनी व्हीलचेअर दिली आहे, तर ते खूप मोठी सेवा, त्यांना खूप मदत मिळाली आहे। कारण एक फायनान्शियली आहे, आपण सपोर्ट केला आहे, आणि ह्या मंडळींचं असं काम आहे की ते जात धर्म बघत नाही, ते कोणत्याही धर्माला जातीला सगळ्यांना मदत करतात। आणि हे जवळजवळ 1975 पासून त्यांचं काम चालू आहे। इकडे कॅन्सर पेशंट आहेत, त्यांना ते मदत करतात, जवळजवळ 10-12 बेड्स आहेत। आणि दुसरं, इथे शिलाई मशीन महिलांसाठी पण ते खूप सहकार्य करतात। शाळेचे पुस्तकांचे डिस्ट्रीब्युशन, म्हणजे ह्या मंडळातर्फे लोकांसाठी खूप सहकार्य करतात, मदत करतात। तर आणि यांनी मला इथे बोलवलं, त्याबद्दल खूप खूप त्यांचे धन्यवाद। BMC महाराष्ट्र बृहन्मुंबई महानगरपालिकातर्फे माझ्याकडनं जी पण त्यांना मदत लागेल ती मदत करायला मी नेहमी तयार असेल। धन्यवाद। हिंदीमध्ये नमस्कार, सस्रियाकाल। पंजाबी सेवा समिति इनकी तरफ से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, यहाँ पे अपंग उनको एक व्हीलचेयर दी गई है, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। और एक फाइनेंशियली हेल्प ये इनको मिली है, और ये समिति जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। 1975 से ये काम कर रहे हैं, और सब धर्म है, जाति है, सभी लोगों को ये सहकार्य करते हैं, मदद करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कैंसर पेशेंट, उनको भी यहाँ पे सेवा दी जाती है। 10 से 12 बेड यहाँ पे है, उनका सब खाना पीना जो खर्चा है, बेड है, यहाँ पे सब उनको दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे। और दूसरा, सिलाई मशीन जो महिला है उनके लिए, स्वयं रोज़गार के लिए सिलाई मशीन यहाँ पे बांटी जाती है। और यहाँ पे राशन, जो गरीब लोग हैं उनके लिए राशन भी दिया जाता है, जो पेशेंट है उनके लिए राशन दिया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें ये वास्तु में मिलती है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनकी तरफ से ये सेवा लोगों के लिए दी जाती है, और उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनकी। जय महाराष्ट्र। वैसे जिनको व्हील चेयर मिली है उनके फेस से ही पता चला कि उनको बहुत खुशी हुई है। और जैसे यहाँ पे कैंसर पेशेंट है, तो मुंबई में रहना, वहाँ पर खर्चा वगैरह सब बहुत महंगा है। और वहाँ पे यहाँ ये समिति की तरफ से उनको यहाँ पे पूरी सुविधा मिलती है। जो पेशेंट रहते हैं उनका एक दिमाग में रहता है कि मैं यहाँ पे बीमार हूँ, मेरा कैसा होगा। लेकिन खाना पीना उसका थोड़ा सा गुरुद्वारा है, वहाँ से उनको लंगर खाना मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट को थोड़ी सी, उनके रिलेटिव्स है उनको भी बहुत सहारा मिलता है, तो उनके थोड़ा टेंशन कम हुआ है। तो एक उनकी तरफ से बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये दोनों लोगों के मुंह से, फेस से पता चलता है कि एक खुशी का माहौल है यहाँ पे। पंजाबी सेवा समिति जो हिसाब से काम कर रही है, मैं पिछली बार भी आया था, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उनका जो काम करने का जो तरीका है, जो लोगों को जो दिल को टच करके वो जो काम कर रहे हैं, अभी हम लोग ताई के साथ ही हम लोग मिले कैंसर पेशेंट को, पिछली बार भी मैं देखा था कि जो हिसाब से उनका रहने का, खाने का, पीने का, दवाइयों का जो भी खर्चा ये उठाते हैं,
जिसकी भी मदद आती है वो हिसाब से ये लोग अपने आपस में जमा करके जो भी है ये लोग करते हैं, दिल से करते हैं। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी कोशिश करेंगे हमारे से जो होता है, हमारे भारतीय कामगार संगठन से जो होता है, हमारे शिवसेना पार्टी से क्या होता है, उस हिसाब से भी हम लोग सोचेंगे कि अगर किसी के लिए कोई अच्छा कर रहा है तो उसमें पुण्य का काम है, सवाब का काम है, वो ज़रूर सबने करना चाहिए। और मैं पंजाबी सेवा समिति के लोगों से और बिट्टू भाई और उपल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्य वो करते रहे। और सेवा समिति एक ही बात पर यकीन करती है, खान खाना रहीम नौ रत्नों में से एक रत्न थे बादशाह को। उन्होंने वो क्या करते थे, रोज सुबह में अपने लोगों को गरीबों को किया करते, लेकिन किसी की तरह अकबर जाके स्वामी तुलसीदास जो है वो उसी समय में कंटेम्प्रेरी तुलसीदास जी के पास कहा, खान खाना रहीम को बहुत धर्म हो गया है, बहुत बड़ा आदमी अपने आप को समझ रहा है, वो जिसको भीख देता है उसकी तरफ देखता नहीं। तो उन्होंने जवाब में जो कहा कि ये खान खाना रहीम ये देन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, योग धर्म मुझ पर करें ताँसों नीचे है। मेरे नैन इसके नीचे होते हैं कि लोग धर्म करते हैं कि खान खाना रहीम देता है, लेकिन देने वाला तो कोई और ऊपर बैठा नहीं पड़े। तो इसलिए हमारी पहली चीज से पंजाबी सेवा समिति ये है कि हम देने वाले ही, देने वाला ऊपर वाला है, जो भेजता है वो हमारे माध्यम हमको बनाता है कि हमारे पास। और इसलिए आप कुरान ने गाड़ी में से बिठाया चेयर पे, और चेयर जब उनको यहाँ पंजाबी समिति ने उनको जो गिफ्ट की, तो मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी हुई है कि उसको, क्योंकि एक तो पहले लाइफ से प्रॉब्लम है गरीबी, और उसके अलावा जब कोई चीज़ कोई हदिये के तौर पे देता है तो उसकी खुशी का इजहार वही जानता है, और देने वाला जो भी है उसको मालिक इतनी तरक्की देवे। और उसके अलावा हमने यहाँ पर और भी देखा कि जो 8-10 बेड लगे हुए हैं। मेरा नाम ऑगस्टिन है, ऑगस्टिन बहुत खुशी हो रही है। मेरे फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहा था बहुत दिनों से कि मुझे एक व्हील चेयर चाहिए, और मेरे पास इसका साधन नहीं है। मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर है और भाड़े के घर पे रहता हूँ, तो समझ सकते हो आप घूमने में कैसा है। तो मेरे फ्रेंड से मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसका नाम राकेश है, तो उसने बोला सेवा शक्ति के बारे में, पंजाब सेवा के बारे में बताया उसने मुझे यहाँ के बारे में, तो उसने यहाँ पर लेके आया, और सर के और मैडम के और यहाँ के जो भी है उन्होंने मुझे आज बहुत अच्छी से एक व्हील चेयर दे दिया। मैं खुशी से काम मैं खुद बुक कर सकता हूँ, किसी का हेल्प का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर चीज़ के लिए मुझे, मैं ना उठ सकता हूँ ना कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ एक जगह पे बिठा देगा तो मैं उधर ही बैठ सकता हूँ।